राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान दिए गए आपत्तिजनक बयानों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं, दरअसल वह नफरत फैलाने वाला एक काफिला है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अनेक बार समाज को तोड़ने, जाति पंथ और सामाजिक सौहार्द में विष घोलने और पिछड़ा, गरीब, वंचित, शोषित वर्गों को नीचा दिखाया है। राहुल गांधी माफी मांगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पिछड़ा वर्ग, विशेषकर तेली समाज के प्रति राहुल गांधी खुलेआम अपनी नफरत प्रदर्शित कर रहे हैं। आत्मीय अभिनंदन, स्वागत है। कांग्रेस के राजकुमार एक यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा के दौरान लगातार कई वर्गों का वो अपमान कर रहे हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। और ऐसे वर्ग हैं वो जिन्होंने देश की तरक्की में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और स्वाभिमान से जीने का एक जो मिसाल पेश किया है, कई लोग उससे प्रेरित होकर काम करते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज आपके बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री धरमलाल कौशिक जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी आए हैं, उनका अभिनंदन करते हुए मैं माननीय कौशिक साहब से निवेदन करता हूं आप सबको संबोधित करें। इस प्रेस में हमारे साथ में प्रदेश के महामंत्री वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव जी, साथ ही हमारे मीडिया प्रभारी अमित चिन्नानी जी और हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल के मित्रों, साथियों, तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा जो न्याय यात्रा लेकर जो चल रहे हैं, उस न्याय यात्रा में उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। क्योंकि सामान्य रूप से यात्रा में जो भीड़ उपस्थित होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए, जो सज्जन समर्थन मिलना चाहिए, वो जन समर्थन का अभाव और उसके कारण में राहुल गांधी जी विचलित होकर के जिस प्रकार से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। इस यात्रा के दौरान मुझे लगता है कि अपनी बातों को रखने के बजाय वो खास करके मोदी जी के बारे में, पिछड़ा वर्ग के बारे में और अन्य समाज को, चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, जिस प्रकार से अपमानित करने का काम जो किया जा रहा है, तो शायद उनके पास कोई विषय है नहीं बोलने के लिए, जो उनकी अकलाहट दिखाई दे रही है और इसी के कारण में वो बाकी लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले की घटना आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि सारे मोदी चोर हैं और इसका जो मामला है आपके सामने में है कि उनको माफी मांगने का आदेश जारी हुआ और जिस प्रकार से उनके द्वारा जिन बातों का सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता और उन उपयोग करके यहां तक कि कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आए और उसके बाद में जिस प्रकार से स्थिति बनी, उनका सांसद भी गया और उसके बाद में उसको जो बाद में फिर जो कोर्ट के द्वारा जो राहत मिली, तो कुल मिलाकर के इस यात्रा के माध्यम से अपनी बातों को रखने के बजाय एक षड्यंत्र के तहत अपमानित करने का काम जो किया गया, वो आपके सामने में एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने में है। दूसरी बात, अब जो ये बात आ रही है कि मोदी जो है वो पिछड़ा वर्ग के नहीं है, सामान्य है, आपकी यात्रा में कहां से शामिल हो गए मोदी जी में पिछड़ा है कि सामान्य है कि किस जाति के हैं? मतलब मोदी जी के जो जाति, जो ये कहा जाता है कि तेली समाज से आते हैं, आपने तेली समाज को अपमानित करने का काम किया
और इसके पीछे भाव मुझे ऐसा लगता है कि जो तेली समाज है उसको ये सामान्य कह करके जो पिछड़ा वर्ग के श्रेणी से उसको बाहर निकालने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। सोची समझी रणनीति के तहत ये जो बयान इनके द्वारा जो दिया गया और निश्चित रूप से उससे काफी आहत भी है लोग, और आहत के साथ में जिस प्रकार से उनके जो बातें आ रही है तो अपने आप को लोग अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। अंबिकापुर के सभा में 45 बार अपनी बातों को रखने के बजाय सवा घंटे के सभा में 45 बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं, और मोदी जी का नाम लेकर के आप बताना क्या चाहते हैं, और उसके बाद में आप बात करते हैं कि आप चाय बेचे देश ना बेचे, मतलब आप नसीहत दे रहे हैं कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। इस हिंदुस्तान ने वो भी दिन देखा है कि इन्हीं की सरकार थी, सोना को गिरवी रखना इनको पड़ा, इस बात को भी हिंदुस्तान की जनता भूली नहीं है। और उसके साथ में ये जो नसीहत देने वाले, इनकी जब सरकार थी तो करप्शन का क्या मामला रहा, श्वेत पत्र जारी हुआ, जमीन के गहराइयों से आकाश के तरंगों तक इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सबको बेचने का काम किया, और जो भ्रष्टाचार इनके द्वारा जो किया गया, और 14 में जो मोदी जी की जो सरकार आई उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार, उस समय के दौर का निराशा, और उस समय लोगों को ये लगा कि अब भारत में कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। उस स्थिति में मोदी जी देश में सत्ता संभाले, और सत्ता संभालने के बाद जो काम उन्होंने प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के बाद में हम कहां 10वें और 11वें नंबर पर थे, हम 5वें नंबर पर आर्थिक रूप से हम आ गए हैं। ये मोदी जी का काम है, मोदी जी का जो उन्होंने काम किया, और अब हम जो तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में 5 ट्रिलियन नहीं, हम 5वें नंबर पर नहीं बल्कि हम 3रे नंबर पर छलांग लगाने वाले हैं। ये तैयारी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है, और आर्थिक रूप से हम मजबूती के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को भी पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और इसलिए मेरा यह कहना कि आप चाय बेचने वालों का भी आपने अपमान किया कि चाय बेचे देश ना बेचे, तो क्या ये सब देश बेचने वाले लोग हैं? तो आप एक पूरे वर्ग को अपमानित करने का काम राहुल गांधी के द्वारा जो किया गया है, मैं समझता हूं कि शायद इतनी झल्लाहट और इतनी उनके मन में उनके वक्तव्य से स्पष्ट जो दिखाई दे रहा है। तो ये कुल मिलाकर के मेरा कहने का आशय ये है कि आप यात्रा में अपनी बात रखें, और रखने के बजाय आप लोगों को अपमानित करने का, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को संप्रदाय के नाम पर, किसी को जाति के नाम पर, ये जो लोगों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, इससे राहुल गांधी को बचना चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ हो चाहे जहां हो, ये समझते हैं कि इसका लाभ मिलेगा, ये बोलने से लोगों को समझ में आएगी। हिंदुस्तान की जनता 2 बार मोदी जी को देख चुके हैं, मोदी जी के ऊपर मोहर लगाए हैं, और 3री बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार सबसे ज्यादा हमारी बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। तो ये जो झल्लाहट और जो ये दिखाई दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि अपमानित करने के बजाय आप अपनी बात को रखें, और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। आज इस विषय को लेकर के मैं अपनी बात रखा हूं। संजय श्रीवास्तव जी बैठे हैं, कुछ इसमें रखना चाहेंगे रख सकते हैं।